हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नीलोखेड़ी में चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, जहां चोरों ने हैफेड कॉलोनी में एक चावल के दुकान को निशाना बनाते हुए करीब 2 लाख के चावलों पर हाथ साफ कर दिया। बताया जा रहा है कि चोर दुकान का शटर तोड़कर दुकान में घुस गए थे और दुकान में रखा सारा चावल लेकर मौके से फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चोरों को पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन चोर भागने में कामयाब हो गए। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बारह पैंतालीस के आसपास तो बच्चे मेरे साथ थे, जैसे मैं यहाँ पे मुड़ा तो घर के लिए जिट रोड से, तो देखा कि यहाँ पे है ना एक पिकअप बलैरो गाड़ी खड़ी हुई है और उसमें है ना ये ओम प्रकाश जी का जो ये चावलों की दुकान है, यहाँ से वो चावल निकाल रहे थे और गाड़ी में कर रहे थे। 5-6 लोग थे और उनके जो चेहरे ढके हुए थे, नकाब था काले रंग का, और जी उसके बाद मैंने उनको आवाज़ लगाई भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो वो मेरे पे ही भड़क गए और उन्होंने मेरे ख्याल में कुछ उनके हाथ में हथियार भी था, उन्होंने मेरे को कहा निकलो यहाँ से, चलो चलो चलो।